हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 12th का चैप्टर 9, ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग। इसके जो स्टूडेंट मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, इसमें हम ऑडियो को कन्वर्ट करेंगे, फ्री ऑडियो कन्वर्टर है उसको यूज सीखेंगे, वीडियो एडिटिंग हम कैसे करते हैं उस सिस्टम में उसके रिगार्डिंग हम रीड करेंगे, वर्किंग विद वीडियो एडिटर और इस पर हम काम कैसे कर सकते हैं, फ्री वीडियो कटर ज्वाइनर और इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री वीडियो कटर को। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा है, हमने रीड भी किया हुआ है कि हमने जब भी कोई ऑडियो एंड वीडियो म्यूजिक अपने कंप्यूटर सिस्टम पर प्ले करते हैं तो उसमें जब भी हम उसको म्यूजिक को ऑडियो एंड सीडीज पर प्ले करने के बाद लिसन करते हैं तो हमने देखा होगा कि जो भी हम इसमें मीडिया यूज किया जाता है, प्लेयर सॉफ्टवेयर, मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर, उसको क्या है, हम एक सेपरेट ऑडियो कोड में क्या करते हैं, प्ले करते हैं और सम टाइम हमारा जो वो सॉफ्टवेयर है वो उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है और ऑडियो जो हमारे पास कोड होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ साथ ही वर्क करते हैं। बट सम टाइम हमें क्या है, सम फेस प्रॉब्लम भी फेस होती हैं क्योंकि हमारा जो मीडिया प्लेयर है वो क्या है, अनएबल होता है हमारी ऑडियो को प्ले करने के लिए, इसलिए हमें हमारे पास जो कोड होते हैं वो क्या है, प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होते और हमारे सिस्टम पर उसको वर्क नहीं करते। जो हमारे पास कोडेक होता है वो क्या करता है, हमारे सॉफ्टवेयर को प्ले करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ के ऑडियो फॉर्मेट में और इस तरीके के जो कंपैरिजन एंड डीकंपैरिजन होते हैं वो क्या करते हैं, डिजिटल ऑडियो डाटे को हमारे ऑडियो फाइल में कन्वर्ट करते हैं, ऑडियो कन्वर्टर। ऑडियो कन्वर्टर स्टूडेंट क्या है, हमारे पास जब भी हमने कोई ऑडियो और फाइल को हमने अपने फॉर्मेट पे एडिट करना है चाहे प्ले करना है तो हम उसमें देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या करता है, हमारी जो अदर डिवाइसेस होती हैं उस पे प्ले करता है और इस तरीके से हमारे पास जब भी इसमें हम MP3, जिसको हम MPEG ऑडियो लेयर्स 3 बोलते हैं, उसका जो फॉर्मेट होता है कॉमन ऑडियो फॉर्मेट के थ्रू ही होता है और इसको हम वाइडली क्या करते हैं, प्ले करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में और इसी में इंक्लूड किए जाते हैं MP3 प्लेयर, मोबाइल्स, टैबलेट एंड और भी जो हमारे पास होंगे यूजेबल इक्विपमेंट उसमें हम वर्क करते हैं। इसी तरीके से जब भी हमने इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो हमारे पास जो कन्वर्टर होता है वो क्या करता है, हमारी वन ऑडियो के फॉर्मेट को फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और इस तरीके से जो भी हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है इस कोड को कंप्लीट कन्वर्जन करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, अपनी फाइल में प्ले नहीं करते। बट जब भी हमारे पास थर्ड पार्टी कोडेक पैक की होती है तो उसके लिए हमारे पास जो फ्री स्पेस और फ्री चार्जेस होते हैं जिसको हम इंटरनेट के थ्रू यूज करते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हमारे पास जो कोडेक पैक का के लाइट कोड होता है जो कि क्या करता है, मोस्ट पॉपुलर है हमारे पास फ्री कोड के लिए और इसको जब हम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो हमें हमारे सिस्टम में क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है और जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस वर्जन को क्या करता है, स्टैंडर्ड फॉर्म को फुल मेगा वर्जन के साथ इंस्टॉल करता है और इस तरीके से मीडिया प्लेयर जो क्लासिक होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को प्ले करते हैं और जिस टाइप का भी हमारे पास ऑडियो वीडियो होता है उस फाइल को हम कंप्यूटर पर रन करवाते हैं और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो भी कोड हमने इंस्टॉल किया होता है उस पैक को कोड को वो क्या करता है, रन मोड में ले आता है और इस तरीके से जब भी हमने इसकी सेटिंग कोड पैक में करनी है तो वो भी हम इसको चेंज करके कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो आजकल मोस्ट पॉपुलर ऑडियो कन्वर्टर सॉफ्टवेयर हैं उसको हम एक्सली सॉफ्टवेयर ऑडियो कन्वर्टर बोलते हैं और इसके जो स्विच ऑडियो कन्वर्टर होते हैं उसको हम आ शैम्पू, म्यूजिक स्टूडियो, फॉर्मेट फैक्ट्री, फ्री मेकर ऑडियो कन्वर्टर एंड FRE.AC। इसी स्टूडेंट तरीके से हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट ये कन्वर्टर हैं वो क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में वर्क करते हैं। कोडेक इज द फाइल ऑफ प्रोग्राम यूज टू कंप्रेस एंड डीकंप्रेस डिजिटल मीडिया फाइल। कोडेक क्या करता है, हमारी फाइल्स के जो प्रोग्राम होते हैं उसको वो कंप्रेस एंड डीकंप्रेस करता है डिजिटल मीडिया में और इसी तरीके से उसके जो कोडेक होते हैं वो डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में, एनकोडर एंड डीकोडर। एनकोडर परफॉर्म करता है हमारी कंप्रेस एंड कोडिंग फंक्शंस को एंड डी कोड जो परफॉर्म करता है वो क्या करता है, डी कम्प्रेक्स को, जिसको हम डी कोडिंग बोलते हैं।
और इसी तरीके से इसके जो कोड एंड कंपोनेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं इसको अपने कंपोनेंट्स में। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है, जब भी हमने कोई सॉन्ग को राइप किया है तो हमारी ऑडियो सीडी जो होती है कंप्यूटर की वो उसको प्ले करती है, एंड विंडो मीडिया प्लेयर इस ऑडियो कोड को कंप्रेस करता है सॉन्ग में। और इसी तरीके से इसका जो बाय डिफॉल्ट होता है जिसको हम .WMA बोलते हैं, विंडो मीडिया प्लेयर ऑडियो, वो क्या करेगा, हमारे WMA फाइल्स को प्ले करता है, देन हमारे उसका जो ऑडियो कोड होता है वो डीकम्प्रेक्स होकर ऑडियो को भी प्ले करेगा करेक्टली, सीडी राइपिंग। स्टूडेंट सीडी राइपिंग क्या करती है, हमारे सॉन्ग्स के जो सीडी होती हैं वो स्टोर होती हैं कम्पैक्ट डिस्क ऑडियो में, और इसका जो फॉर्मेट ट्रैक होता है वो क्या करता है, यूज करता है हमारे सीडी प्लेयर्स को, और इस तरीके से उसकी जो ऑडियो क्वालिटीज होती है वो बहुत ही बेस्ट होती है। और सीडी का जो भी हमारा प्लेयर होता है वो डायरेक्टली वर्क करता है हाईफाई ऑडियो सिस्टम में, और हमारा जो कार ऑडियो प्लेयर होता है होम थिएटर जिसको हम बोलते हैं, उसमें यूजली हम 5 to 10 ट्रैक स्टोर करके रख सकते हैं, और जो हमारी सीडी होती है वो भी हम क्या है हमारे सिस्टम में सेव नहीं होती, बट हमारा जो कंप्यूटर है वो सिंपली उसको क्या करता है कॉपी पेस्ट कर लेता है। स्पेशलाइज जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसके लिए रिक्वायर्ड किए जाते हैं। स्टूडेंट जब भी इसका प्रोसेस हम कॉपी करते हैं तो हमारी जो ऑडियो ट्रैक एंड ऑडियो सीडीज होती हैं कंप्यूटर में जो हमने स्टोर की होती हैं वो कॉमनली प्लेएबल फॉर्मेट में ही यूज की जाती हैं, और जिसको हम सीडी राइपिंग बोलते हैं। इसका जो प्रोसेस है वो हम स्पेशलाइज यूजिंग सॉफ्टवेयर के लिए ही यूज करते हैं। जब भी हमारे पास ऑडियो फाइल्स सीडी की स्टोर होगी .MP3 फॉर्मेट में, तो हमारा सीडी जो है उसको हम MP3 बोलेंगे, और सीडी एंड ऑडियो क्या है कभी भी रन नहीं होगा। एनकोडर सेटिंग, इसकी हम सेटिंग कैसे करते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास ऑडियो एनकोडर होता है वो क्या करता है हमारे प्रोग्राम फाइल्स को प्ले करता है ऑडियो फाइल्स फॉर्मेट में, और इसी तरीके से जब भी हमने इसमें कन्वर्टिंग करनी हो अदर फॉर्मेट में तो हमारे पास डिजिटल ऑडियो डाटा क्या करेगा, हमारे ऑडियो फॉर्मेट को अपनी फाइल के अकॉर्डिंग ही रिड्यूस करेगा उसके साइज एंड क्वालिटी को। और इस तरीके से जो एनकोडर पार्ट होता है वो क्या होता है डीकोड, सॉरी सीडेक, इस तरीके से एनकोडर यूज करते हैं एल्गोरिदम एंड स्पेशल वे ऑफ दी एनकोड को। इसको जब भी हमने अपने सिस्टम पे यूज करना है तो टू टाइप से हम इसको ऑडियो एनकोडर को यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं दैट यूज लूजी कंप्रेसर एंड लूजलेस कंपैरिजन। लूजी ऑडियो क्या करता है हमारे पास स्टूडेंट, इसके जो कंपैरिजन टेक्निक्स होती हैं वो क्या करती हैं रिवर्सेबल होती हैं, और डीकम्पोजर जो ऑडियो फाइल्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारे ओरिजिनल डाटा के अमाउंट से ही वर्क करती हैं। और इस तरीके से हमारा जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही स्मॉलर साइज में आएगा, और इस टेक्निक के जो साउंड एंड एलिमेंट्स होते हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं, और मोस्टली इसका जो इफेक्ट है वो हमारा साउंड की क्वालिटी पे पड़ता है, और इसका जो रिजल्ट है वो भी हमें इस क्वालिटी के पे रिड्यूस कर लेते हैं। इसमें जो भी हमारे पास ऑडियो डिकोड्स हम यूज करते हैं वो है AAC ADPCM DTS OGG VORBS AC3 ATRACC MP3 WMA, ये हमारे पास क्या है मोस्टली ऑडियो कोड के लूजी कंपैरिजन है। लूजलेस ऑडियो स्टूडेंट, लूजलेस ऑडियो जो है वो क्या करता है हमारे कंपैरिजन टेक्निक को रिवर्सेबल में एंड प्रिजर्व ओरिजिनल डाटा अमाउंट हमें प्ले करता है, और इस तरह की टेक्निक जो है वो क्या करती है जो हमारा कंप्रेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियो डाटा होता है उसको रिड्यूस नहीं करता, बट जो उसका साइज एंड साउंड की क्वालिटी है वो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन एंड ऑडियो फाइल्स में यूज की जाती हैं। इसमें हमारे पास जो लूजलेस ऑडियो कोड होता है और इसके ऑडियो कोड में हम जो कंपेरिजन इंक्लूड करते हैं वो क्या है हमारे पास फ्री लूजलेस ऑडियो कोड, एप्पल लूजलेस ऑडियो कोड, डायरेक्ट स्ट्रीम ट्रांसफर LA जिसको हम लूजलेस ऑडियो बोलते हैं, WMA लूजलेस, लूजलेस ट्रांसफॉर्म ऑडियो कंपैरिजन, रियल ऑडियो लूजलेस, वेव पैक लूजलेस, लूजलेस प्रोडक्टिविटी ऑडियो कंपैरिजन। स्टूडेंट जो हमारे पास अनकंप्रेस्ड ऑडियो होते हैं वो क्या करते हैं
हमारी कंपैरिजन टेक्निक पे वर्क नहीं करते और ना ही उस पे अप्लाई किए जाते हैं। बट जो हमारी ऑडियो फाइल होती है, जो उसकी क्वालिटी है, वो हम ऑडियो में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम PCM, AIF एंड वेव फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। मोस्टली जो हमारा .MP3 ऑडियो फाइल्स होती हैं, वो हमारी जो MP3 कंपैरिजन होती हैं, उसका जो पर्सुअल कोडिंग होती है, वो क्या करती है, हमारे साइकोलॉजिकल मॉडल में रिमूव होती हैं, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑडियो फाइल्स को ह्यूमन के लिए अनेबल करते हैं, क्योंकि वो उसको प्रॉपरली हेयर नहीं करते। बट जो इसका लो ऑडियो क्वालिटी होती है एंड उसकी जो आउटपुट होती है, वो भी बहुत स्मॉलर साइज में मिलेगी। और यूजली जो हमारे पास MP3 फाइल्स होती हैं, वो हमारी 128 BP और 192 BP में ही पर सेकंड रिकॉर्ड की जाती हैं, फ्री ऑडियो कन्वर्टर। स्टूडेंट, जो हमारे पास फ्री ऑडियो कन्वर्टर होता है, वो क्या करता है, हमारी CD राइट को सपोर्ट करता है, और इसके जो पॉपुलर ऑडियो फॉर्मेट होते हैं, उसको एनकोडर में डिस्प्ले करवाता है। जब भी हम अपना कोई कन्वर्टर MP3 MP4 में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें अगर हमने इजीली राइप एंड कन्वर्ट ऑडियो वीडियो करनी हो, तो इसका जो सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले हम उसको डाउनलोड करते हैं, जो कि www.freeac.org की वेबसाइट में जाकर हम उसको, इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। और देन इसके जो फीचर्स हैं फ्री .ac के, ये क्या करता है, एक हमारे पास पोर्टेबल एप्लीकेशन होती है, और इसको हम कॉपी कर सकते हैं अपनी पेन ड्राइव में, और हम इसको रन भी कर सकते हैं कहीं भी। इट इज इजी टू लर्न एंड यूज, इसको हम इजीली सीख लेते हैं, यूज कर सकते हैं। मल्टी कोर ऑप्टोमाइज एनकोडर आर यूज टू स्पीड अप कन्वर्जन, इसके लिए हम मल्टी कोर ऑप्टोमाइज यूज करते हैं। इट हैज ए कन्वीनियंस CD राइपिंग, और CD राइप के लिए ये बहुत ही कन्वीनियंस सिस्टम है। इसके लिए हमारे पास जो भी फुल यूनिकोड होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, और इसकी फाइल में टैग किए जाते हैं। जब भी हमारे पास MP3 एंड MP4 को हम कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए WMA, OGG, VORBS, FLAC, ACSI, WAV एंड फॉर्मेट को ही यूज किया जाता है। कंप्लीटली ये क्या है, हमारे पास फ्री है ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से इसको यूज किया जाता है। एड फाइल्स टू सॉफ्टवेयर, जब भी हमने अपनी सॉफ्टवेयर में फाइल्स ऐड करनी हो, तो सबसे पहले हमें क्या है, फाइल मेनू में जाएंगे, देन वहां पर ऐड ऑप्शन आएगा। इसके बाद हमारे पास ऑडियो फाइल होगी, जिसको हम Ctrl+A के साथ सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, जब भी हमने इसको ऐड पे, फिर हम ऑडियो फाइल्स में, देन हमारे पास जो फोल्डर होगा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। देन अनदर ऑप्शन है हमारे पास टूल बार। टूल बार क्या करता है, यूज करता है हमारे ऑडियो फाइल्स को, एंड उसके बटन को यूज करने पर हमारे पास इस तरीके की विंडो ओपन होगी, और अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप हम इस पे वर्किंग करते रहेंगे। रिमूविंग फाइल, स्टूडेंट सम टाइम क्या है, हमें सम फाइल्स को डिलीट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम उसमें डाटा जो है नहीं कन्वर्ट कर पाते। तो सबसे पहले क्या है, हमने जो फाइल डिलीट की हुई है उसको सिलेक्ट करेंगे, देन हम अगर चाहते हैं कि हम उसको डिलीट करना है, तो हम उसको फाइल मेनू में रिमूव कर देंगे, और इसकी जो शॉर्टकट की है, जो हम अपने कीबोर्ड से यूज कर सकते, Ctrl+Shift+R, इससे हमारी जो फाइल है वो रिमूव हो जाएंगी हमारे सिस्टम से। वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग स्टूडेंट क्या करती है, ये भी हमारे पास ज्वाइनिंग प्रोसेस है, वीडियो क्लिप को, फोटोज को एंड ऑडियो फाइल्स को अपनी मूवी में मेक करने का। इससे क्या, जैसे कि स्टूडेंट आजकल आप देख रहे हो, आप एक क्लॉज बनाते हो, वहां पर भी आप डिफरेंट डिफरेंट अपनी स्नैप्स को लेकर एक से प्रॉपर क्लॉज बना लेते हो, ये ही हमारा सिस्टम है। इसी तरीके से हम वीडियो के भी क्लिप लेते हैं, जो मोस्टली हमारी क्या करती है, वीडियो को अट्रैक्टिव बनाती है। इसी तरीके से जब भी हमने इसको एडिट करना है वीडियो को, तो हमारे पास नॉन लीनियर एडिटर होते हैं, जिसको हम NLE भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे एडिट एंड वीडियो को विदाउट प्ले किए हमारी वीडियो एडिटिंग के लिए हेल्प करते हैं। जनरली जो हम इसमें टास्क परफॉर्म करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी वीडियो की मूवीज को डिवाइड करते हैं 3 स्टेजेस में। प्री प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन इंस्टॉल किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेज, एंड इसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो वर्किंग रिटन होती है अकॉर्डिंग टू पीपल के ऑर्गेनाइजेशन पर, और इसके जो शॉर्ट होते हैं वो हम प्लान करते हैं। प्रोडक्शन, इसमें इंक्लूड की जाती है वीडियो के शॉर्ट,
पोस्ट प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है, हमारी वीडियो भी एडिटिंग होती है, ऑडियो भी हम एडिट करते हैं और इसमें स्पेशल इफेक्ट लगाते हैं ताकि हमारी वीडियो का जो एडिटिंग की होती है वो और भी इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव लगे। पॉपुलर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट जो आजकल हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मोस्टली यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, हमें फॉर विंडो जिसको हम OS बोलते हैं, फिल्मोरा पिया एंड वर्चुअल डब जो हमारे पास हैं वो क्या करते हैं, पेंसिल वीडियो स्पिन होती हैं जो कि सोनी वेज मूवीज स्टूडियो विंडो वीडियो मूवीज मेकर पेनशूट अडोब प्रीमियर प्रो सीसी साइबरलिंक एंड पावर डायरेक्टर, ये हमारे पास विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑडियोज OS, ऑडियोज OS क्या करता है, हमारे ओड प्रीमियर प्रो को पावर डायरेक्टर वीडियो एडिटर काइन मास्टर वीवा वीडियो एंड फ्यूनियो मेट एंड फिलोमेरा जो जियो है वो क्या करते हैं इसको एक्सेप्ट करते हैं। iOS जिसमें हमारे पास लूमिया व्यूजन इन शॉर्ट अडोब प्रीमियर रश सप्लाइज मैजिस्टो आई मूवी। वर्किंग विद वीडियो एडिटर, हम इसके साथ काम कैसे कर सकते हैं, स्टूडेंट देखा है जैसे कि हमारे पास जो वीडियो एडिटर होते हैं मोस्टली वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे सिस्टम के, अगर हमने इसको इजीली यूज़ करना तो सबसे पहले हमें वीडियो एडिटर के सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली लर्न करना होगा और इस चैप्टर में हमारे पास जो वीडियो एडिटर की इन्फॉर्मेशन दी है वो इस पे वर्क करती है प्रोजेक्ट। अगर हमने कोई भी मूवी एंड वीडियो पे एडिटिंग करनी है तो सबसे पहले हमारे पास जो है हम फाइल क्रिएट करेंगे और उसकी जो सेटिंग्स हैं उसको सेव करेंगे, देन उसकी जो लोकेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है फाइल के लिए। जब भी हमने अपनी कोई मूवी ओपन करनी है अगर उसकी वीडियो को हम एडिटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम हमारा जो वर्क है वो क्या होगा रिज्यूम होगा और इसको हम लेफ्ट ऑफ करेंगे, देन हमारी फाइल्स जो हैं उसकी सेटिंग पे हम जाकर अपने प्रोजेक्ट फाइल को सेव करेंगे, देन हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन आता है वो क्या होगा, जब भी हमारी फाइल सेव हो जाएगी तो हमारी जो एवरी वीडियो एडिटिंग की हुई है हमारी सॉफ्टवेयर में वो हमारी प्रोजेक्ट फाइल में क्या है एक सेपरेटली एक्सटेंशन के साथ क्या होगी सेव होगी और जिस भी प्रोजेक्ट पर हम वर्क कर रहे हैं उसकी ऑल इन्फॉर्मेशन जो है हमारी मीडिया फाइल में यूज़ की जाएगी। जैसे कि हमारे पास अगर स्टोरी बोर्ड एंड टाइमलाइन सेटिंग्स होंगी तो उसका जो अदर इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होंगी वो क्या करेंगी स्पेशल एडिटिंग एनवायरनमेंट को सेट कर देंगी। इम्पोर्ट फाइल ऑडियो वीडियो इमेज, जब भी स्टूडेंट हमने अपनी फाइल्स में ऑडियो एंड वीडियो इमेज को इम्पोर्ट करना हो तो सबसे पहले क्या है हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो असेस होगा, क्योंकि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो इसमें हमारा जो ऑडियो वीडियो है वो वर्क नहीं करेगी और देन उसके बाद क्या होगा हम इसमें मीडिया फाइल्स में अपनी जो इम्पोर्टेड फाइल्स होती हैं उसको रिमूव करेंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स की प्लेस होल्डर की तो हम उसको डिस्प्ले करेंगे हमारी इम्पोर्टेड फाइल में। जब भी हमारा जो प्लेस होल्डर है वो क्या करेगा हमारे स्पेसिफिक नेम एंड कलेक्शंस ऑफ पेन्स को मीडिया फाइल्स एंड प्रोजेक्ट फाइल्स में सेव करेगा और देन हमारे पास ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग ट्रैक के थ्रू हम उसमें टाइमलाइन वीडियो एडिटिंग करेंगे। नॉर्मली जब भी हम इसमें फाइल इंपोर्ट करते हैं तो हमारा जो इंपोर्ट ऐड होता है वो क्या करता है हमारी फाइल मेनू में उस सॉफ्टवेयर को इंपोर्ट कर देता है। वीडियो ट्रांजिशन, स्टूडेंट वीडियो ट्रांजिशन क्या करती है, कंट्रोल करती है वीडियो के क्लिप्स को और इसी तरीके से जब भी हमने इसमें अपनी वीडियो क्लिप्स को डिस्प्ले कराएंगे पिक्चर्स के अनुसार तो उसके जो इफेक्ट हैं उसको वो इम्प्लीमेंट करेगी टू ऑब्जेक्ट में। जब भी हमने इसमें ट्रांजेक्शन को अपनी टू पिक्चर्स में अप्लाई करेंगे तो हमारा जो वीडियो क्लिप और टाइटल होगा वो क्या करेगा हमारी स्टोरी को ऐड करेगा और इसको बोर्ड करेगा टाइमलाइंस में और इसी तरीके से जो उसकी ट्रांजेक्शन है वो क्या होंगी स्टार्ट होंगी हमारे नेक्स्ट क्लिप में। इसकी जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो क्या होती है ओवरलैप होती है और जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन इफेक्ट अप्लाई करते हैं वो मीडिया फाइल्स को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रैक और ट्रांजिशन में हमारे पास टाइम एंड उसकी जो सेटिंग होती है वो प्रॉपरली रिक्वायर की जाती है। वीडियो इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट भी क्या है हमारे पास एक एडिटेड वीडियो है जिसमें हम स्पेशल इफेक्ट एंड मूवीज को डिटरमाइंस करते हैं अकॉर्डिंग टू पिक्चर क्लिप्स के साथ और इसका जो टाइटल होता है वो डिस्प्ले करवाता है हमारे फाइनल प्रोजेक्ट की मूवी के लिए और इसी तरीके से जो भी हम इफेक्ट इसमें अप्लाई करेंगे उसका जो ड्यूरेशन है पिक्चर का वीडियो क्लिप का और टाइटल का वो क्या है हमारे पास एक लॉन्ग ऑब्जेक्ट होगा जिसमें हमारा पूरा होल वीडियो क्या होगा प्ले होगा।
सम टाइम हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वीडियो सॉफ्टवेयर की एडिटिंग होती है उसका हम ड्यूरेशन जो टाइम है वो सेट कर देते हैं, ताकि जो हमारा इफेक्ट है पर्टिकुलर उस टाइम पर ही वर्क करे। टाइटल्स, टाइटल क्या है, हमारे पास एक मेन ऑब्जेक्ट है जो हमारे वीडियो मेकर को एडिंग देता है, और इस बेस पे हमारी जो कैप्शंस होती है मूवी की वो इंक्लूड की जाती हैं, और मूवी में हम इंडिकेट करते हैं इंफॉर्मेशंस को, और हमारे पास जो मूवी का नेम रिलीज हमने किया होता है जैसे कि एक्टर्स नेम और डेट, वो क्या करती हैं हमारे एनिमेशन इफेक्ट में हम उसको टाइटल में डिफाइन कर देते हैं, और इस तरीके से हमारी जो मूवी है वो मोर अट्रैक्टिव बन जाती है। जैसे कि स्टूडेंट आपने सम टाइम मूवीज में देखा होगा, जब भी सबसे पहले वो हमारी मूवी का नेम वगैरह वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्टर्स के नेम, तो उसमें उन्होंने स्पेशल इफेक्ट लगाए होते हैं ताकि वो उसको उसी तरीके से डिस्प्ले करें, वो क्या करती है हमारी मूवी को बहुत अट्रैक्टिव करती है, जिसमें हम सम टाइम साउंड भी बैक में प्ले करते हैं, देन हमारा उसके रिगार्डिंग हमारा जो मूवी का प्रॉपर सीन है उसी पर ही क्या करता है वर्किंग करता है। स्टोरी बोर्ड एंड टाइमलाइन, स्टूडेंट स्टोरी बोर्ड क्या करती है, इसमें हमारे पास जो प्रोजेक्ट के इलस्ट्रेशंस होती हैं और लेआउट क्लिप होती हैं उसको हम स्टोरी बोर्ड टाइमलाइन में डिस्प्ले करवाते हैं। स्टोरी बोर्ड, स्टोरी बोर्ड क्या करता है, हमारे पास पिक्चर्स का पैनल होता है जिसमें हम स्टोरीज को मेक करते हैं एंड उसका सीक्वेंस फोटो एंड वीडियो क्लिप के अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं, और इसी के लिए हमारे पास रीअरेंज करनी पड़ती है पिक्चर्स एंड वीडियो को, और इसी तरीके से हमारे पास जो ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं वो इसमें अप्लाई किए जाते हैं, एंड उसमें जो हमारा स्टोरी बोर्ड होता है वो मोस्टली टाइमलाइन पर नहीं यूजफुल होता। टाइमलाइन, टाइमलाइन क्या है, हमारे पास एक एडिट टाइमिंग है जो क्लिप को प्रोजेक्ट में एडिट करती है, और इसका तभी हम ऐड करते हैं जब हमारे पास जो मूवी प्रोजेक्ट है वो डिस्प्ले होंगे स्टोरी बोर्ड में, और इस तरीके से हमारे जो टाइमलाइन पैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन व्यू के क्लिप को ऐड करते हैं, और हमारा जो इफेक्ट्स टाइटल एंड ट्रांजिशंस होती हैं ऑडियो की उसको हम नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन इफेक्ट के साथ, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिस्प्ले होता है अकॉर्डिंग टू क्लिप एंड इवेंट ओवर टाइम, और इसके ट्रैक को हम इंक्लूड करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे मूवी की डिस्प्लेइंग सिस्टम के साथ वीडियो पर व्यू मॉनिटर। स्टूडेंट वीडियो पर व्यू क्या, सबसे पहले जब तक हमने अपनी किसी भी वीडियो एंड ऑडियो को हमने लोगों के सामने पीपल के सामने रिप्रेजेंट करना, सबसे पहले हम क्या उसका प्रव्यू चेक करते हैं, अगर हमारी कोई भी इफेक्ट में चेंजेस करनी हो तो हम उसको अप्लाई करने से पहले क्या कर सकते हैं चेंजेस कर सकते हैं, और इस तरीके से जो हमारी मूवी का प्ले होता है वो क्या करता है अकॉर्डिंग टू फाइनल स्टेप के हम उसमें एक्सपोर्ट एंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। जब भी हमारी कोई मूवी हमारी लॉन्ग टाइम एंड जब जितने भी टाइम हम उसको प्ले करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो सम बेसिक बटन एंड मॉनिटर हैं वो प्रॉपरली प्ले हो रहे हैं, पॉज हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, रिवाइंड हो रहा है, और इस तरीके से उसका जो स्क्रीन शॉट है वो भी कैप्चर फ्रेम में हम सेव करके रखते हैं। स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास मॉनिटर प्लेयर की जो वीडियो एडिटिंग होती है विंडो ओपन होती है। ट्रैक, ट्रैक भी क्या करते हैं हमारे ऐड करते हैं वीडियोस के ट्रैक को, और इसमें एडिटिंग अगर हमने करनी हो उसको हम टू पार्ट्स में कर सकते हैं विजुअल एंड ऑडियो। जो हमारा स्टूडेंट विजुअल पार्ट होता है वो क्या करता है हमारे ऑडियो पार्ट के साउंड एंड वॉइस को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट पार्ट में, और इसी तरीके से ऑडियो एंड वीडियो जो ट्रैक है वो हम एडिट करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ट्रैक के और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पार्ट्स के। जब भी हमारी कोई वीडियो एडिटिंग होगी तो उसमें हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेपरेट ट्रैक पे वर्क करता है, और इसमें जो मैं जो हम ट्रैक यूज करते हैं वो क्या होते हैं यूजफुल होते हैं हमारे फाइनल स्टेप के लिए, और इसी तरीके से जब भी हमारे पास जो क्लिप होंगे वो क्या करेंगे हमारे ट्रैक के अकॉर्डिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस वर्क करेंगे, और इसको डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास ऑडियो एंड वीडियो को तो उसमें हमारे पास जो ट्रैक होते हैं वो मोस्ट यूजफुल वर्क करते हैं। मल्टी ट्रैक एडिटिंग क्या करती है ऑर्गेनाइजेशनल रीजन के लिए काम स्टार्ट की जाती है, और इसकी जो वर्किंग होती है वो हमारे मीडिया प्लेयर पे टाइप होती है, ऑडियो वॉइस ओवर एंड वीडियो वो क्या करते हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ वर्क करते हैं, और इसका जो एफिशिएंट ट्रैक होता है मल्टीमीडिया का वो होल टाइप वे वर्क करता है, एंड नंबर्स ऑफ ट्रैक जेडे होते हैं वो डिपेंड करते हैं वीडियो की एडिटिंग सॉफ्टवेयर के पर। जब भी हमने अपनी वीडियो की एडिटिंग करनी हो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग
तो हमारे पास अनलिमिटेड जो ट्रैक होंगे वो वर्क करेंगे और उसको यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। इस तरीके से हमारे पास जो विंडो होती है ट्रैकिंग की वो ओपन होती है, और इसमें जब हम अपना ऑडियो और वीडियो प्ले करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अगर हमने कुछ पार्ट उसका कट करना हो तो हम ट्रैक के अकॉर्डिंग ही उसको देखते हैं, टाइमलाइन व्यू के अकॉर्डिंग चेक करते हैं और उस पर्टिकुलर पोर्शन पे एडिटिंग करते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और इस तरीके से हमारी एक फॉर्मेट जो है प्रॉपर बेस में तैयार हो जाता है। एक्सपोर्ट वीडियो स्टूडेंट, जब भी हमारा जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है मूवी का वो क्या होता है, एक्सपोर्ट पे वर्क करता है। इसमें जो भी हमने इफेक्ट अप्लाई किए होते हैं ट्रांजिशन एनिमेशन एंड टाइटल में, तो वो क्या करते हैं हमारे हमें फिनिशिंग देते हैं अरेंजिंग मीडिया के अकॉर्डिंग, और इसमें हमें टाइमलाइन की जरूरत पड़ती है, स्टोरी बोर्ड की पड़ती है जो कि हमें ऑलरेडी सेट करती है प्ले हमारा टाइम। इसी तरीके से जब भी हमने इस सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करना है एक्सपोर्ट फैसिलिटीज में, तो सबसे पहले हम इसमें एक्सपोर्ट को प्रोड्यूस करेंगे और इसके जो ऑप्शन होते हैं अवेलेबल हमारे फाइल मेनू में उसको हम इसमें सेट करेंगे। और इसकी एक्सपोर्ट की सेटिंग हमारी कैसे होती है, जब भी हमने कोई वीडियो की रेजोल्यूशन क्वालिटी फॉर्मेट एंड एनकोड सेटिंग सेट की होगी तो इसकी जो एडवांस सेटिंग है वो इसके लिए रिक्वायर्ड करता है। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या है, जब भी इसकी लोकेशन को सेट करते हैं एक्सपोर्टिंग की, तो फाइनल जो हमारी वीडियो होती है वो क्या करती है हमारी मूवी में और पीसी में सेव हो जाती है, जैसे कि MP4 जिसको हम MPEG Layer 4 कहते हैं, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव, FLV फ्लैश वीडियो, WMVP वीडियो मीडिया, विंडो मीडिया वीडियो। स्टूडेंट ये सभी क्या करते हैं हमारे पास एक्सपोर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए और क्रिएट करने के लिए हमारी फाइल का जो लास्ट स्टेप होता है उसमें एडिटिंग करते हैं, सेविंग एंड ओपनिंग प्रोजेक्ट। स्टूडेंट जो हमारा सेविंग होता है प्रोजेक्ट, जब भी हमने कोई अपनी फाइल पे एडिटिंग की है तो हम उस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे और इसी टाइम के अकॉर्डिंग ही उस पे क्या होगी वर्किंग होगी। जब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा सेव हो जाता है प्रोसेसिंग के बाद, तो उसको हम क्या है इजीली ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, और हमारे पास जो एडिटिंग अगर प्रॉपरली हुई है तो हम उसको अपने सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं, एंड जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तब हम उसको अपनी मूवी में उसके क्लिप को हम ऐड कर पाएंगे। और इस तरीके से हमारा जो सेविंग ऑप्शन होता है वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, और हमारा फाइल मेनू सॉफ्टवेयर जो है इसको रीस्टोर करके रखता है वीडियो फिल फाइल फॉर्मेट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जब भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं वो क्या है हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टास्क, और इसका जो फॉर्मेट होता है फाइल का वो भी हम वीडियो के अकॉर्डिंग ही रिक्वायर्ड करते हैं। जब भी हमने अपने फाइल फॉर्मेट में कोई चेंजेस करनी हो, एक्सपोर्टिंग करनी हो, चाहे हमने अपनी वीडियो को एडिट करना हो, तो हम अब सबसे पहले क्या करेंगे वीडियो कन्वर्टर सॉफ्टवेयर को ऐड करेंगे, और इसको ऐड करने के बाद क्या होगा हमारे पास जो इसके दो पार्ट होते हैं कोडेक एंड कंटेनर, वो क्या करते हैं जैसे कि वीडियो जो कोडेक होता है वो हमारी वीडियोस को कंप्रेक्स एंड डीकंप्रेक्स करता है, और हमारे वीडियो कोडेक्स की FMPG एंड DIV जो होती हैं वो क्या करती हैं इसको रेफर करती हैं कंटेनर। कंटेनर क्या करता है हमारे पास फाइल्स को सेट करता है, स्टोर करता है हमारी डिजिटल फाइल्स की इंफॉर्मेशन को। ये हमारा ऑडियो एंड वीडियो का सिंगल कॉम्बिनेशन होता है, जब भी हम इसमें अपनी वीडियोस को प्ले करते हैं तो इसका जो ट्रैक होता है ऑडियो प्ले ट्रैक का वो क्या करता है पॉपुलर टाइप से वे कंटेनर पर ही वर्क करता है, जिसमें FLV WMV MKV MP4 एंड MOV वो इस पे क्या करते हैं वर्क करते हैं। वीडियो फाइल्स फॉर्मेट यूज्ड बाय वेरियस फॉर्मेट। स्टूडेंट जो भी हमारे पास जो सोशल मीडिया है वो क्या करता है, जैसे कि आपको पता है MP4 यूज की जाती है फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम IGTV एंड यूट्यूब, एंड जो हमारे टीवी होते हैं कंप्यूटर्स के वो क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं AVI मूवी एंड MKV को, और बेस्ट क्वालिटी जो फॉर्मेट होती है वो इसकी स्क्रीन में स्ट्रीम करवाई जाती है। फॉर वेबसाइट, वेबसाइट क्या करती है हमारे दी वेब एम एंड HTML5 वीडियो के फॉर्मेट को पर्सनली यूज करती है प्राइवेट वेबसाइट्स पर। वीडियो कटिंग स्टूडेंट अब हमारे पास आएगा, जब भी हमने अपनी वीडियो को एडजस्ट करना हो तो उसकी डिजायर जो लेंथ होती है तब हमें इसकी कटिंग की जरूरत पड़ती है,
और इसका जो अनवांटेड वीडियो होती जो हम नहीं चाहिए उसको हम रिमूव करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले ही हम उसका फॉर्मेट जो है वीडियो का उसको सेट करते हैं, और सम टाइम हमारी जो वीडियो की सिलेक्शन होती है उसके लिए सम पार्ट्स क्या होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं, और कुछ पार्ट जो वीडियो के होते हैं उसको हमें रिमूव करना पड़ता है। और जो प्रोसेस रिमूविंग होती है वो क्या करती है, हमारे वीडियो को कटिंग करने पर हमें उसका जो टर्म रिलेटेड वीडियो होती है उसको हम यूज़ करते हैं ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, हमारी वीडियो को रिमूव करता है सम पार्ट को, और इसके लिए हमें क्लिप हेड और टेल को ज़रूरत पड़ती है। कट कट भी क्या है, हमारे पास एक कटिंग ऑफ पोर्शन होता है जो वीडियो की क्लिप को कट करता है। स्प्लिट, स्प्लिटिंग से क्या है, जो हमारी लॉन्ग वीडियो होती है उसको स्मॉल सेक्शन में हम स्प्लिट करते हैं, इसी को हम स्प्लिट वीडियो बोलते हैं। और इस तरीके से जब तक हमारी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड नहीं करती इस फीचर्स को, ट्रिम कट एंड स्प्लिट को, तब तक हमारी जो मूवी का सॉफ्टवेयर है प्रॉपरली नहीं यूज किया जा सकता। वीडियो ज्वाइनिंग मर्ज, जब भी हमने अपने वीडियोस में क्लिप और अदर जो हमारी वीडियो में अक्स में हमने एनिमेशंस ऐड करने हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम ज्वाइन करते हैं वीडियो सेकंड्स के साथ, जिसको हम हेड और टेल बोलते हैं। ये क्या करती है, हमारी डिफरेंट फाइल्स के वीडियो फॉर्मेट को मर्ज करती है एक रिक्वायर्ड कोड्स में, और इसको इंस्टॉल करती है कंप्यूटर सिस्टम में। इसकी जो रेजुलेशंस होती है वो ज्वाइन करती है हमारी वीडियोस को, और हमारे जो इसका साइज को डिस्प्ले करवाएगी ज्वाइनिंग सिस्टम के साथ, फ्री वीडियो कटर ज्वाइनर। स्टूडेंट, जब भी हमने अपने सिस्टम पे सॉफ्टवेयर पे कट ज्वाइनर करना हो तो सबसे पहले हमें क्या है, वीडियो कट ज्वाइनर जैसे कि MP4 टूल होते हैं उसकी फैक्ट्री, जो इसको हम बैंडीकट, एवडीमक, एवडी कटर, उसको हम प्रॉपर सिस्टम के साथ ज्वाइन करेंगे। और ये कॉमनली क्या करता है, यूज़ करता है फ्री सॉफ्टवेयर के साथ, और इसको जब भी हम अपने इंटरनेट पे डाउनलोड करेंगे तो इसकी जो साइट है वो है www.dvdvideomedia.com, और इसको इंस्टॉल करने के बाद वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ज्वाइन हो जाएगी, और इसकी हेल्प से हम अपनी वीडियो कट कर सकते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास विंडो ओपन होगी, जितनी हमारी वीडियो चल रही है जो भी उसका पोर्शन हम कट करेंगे, देन हमारे बाद उसके बाद हमारे पास प्रॉपर उसका सिस्टम क्या होगा, कट होगा। कटिंग स्प्लिटिंग वीडियो फाइल यूजिंग फ्री वीडियो कटर ज्वाइनर। स्टूडेंट, जो हमारे पास जब भी हमने इसको यूज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को ऐड करेंगे जिस भी वीडियो को हमने कटिंग करनी है। तो इसमें हमारे पास जो वीडियो का प्रव्यू होता है वो क्या करता है, हमारे सिस्टम पे वर्क करवाता है, और इस तरीके से हमारे जो वीडियो कटर होंगे वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे कि हमने अपने सिस्टम पर कैसे हमारी जो वीडियो है उसको यूज़ करना है, उसके एप्लीकेशन का कैसे प्रव्यू लेना है। सेट स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ये क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को ड्रैग बटन के थ्रू हमारे प्रोग्रेस को रेडी करते हैं। और इस तरीके से जब भी हमने वीडियो को कटिंग की होगी तो उसका स्क्वायर लेफ्ट ब्रैकेट के साथ उस बटन को सेट करेंगे, और इस तरीके से जब तक हमारा एंड पॉइंट कटिंग नहीं हो जाता तब तक वो उस पे अप्लाई किया जाएगा। स्टूडेंट, जे हमारे पास स्टेप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्ट पॉइंट को एंड पॉइंट को वैल्यू के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, और इस तरीके से हमारी जो विंडो है वो उसके फॉर्मेट को आवर्स मिनट एंड सेकंड में उसको स्टिफ कर देगी। कटिंग वीडियो फाइल्स, जब हमारी वीडियो फाइल में हम सेटिंग को सेट करेंगे तो सबसे पहले हमारा वीडियो का जो क्लिप है जिस भी पार्ट को हमने कट करना है तो उसको हम प्ले करेंगे, तो वो क्या करेगा, हमारी वीडियो फाइल को प्रॉपरली प्ले नहीं करेगा, उसका जो यूजिंग पोर्शन होगा जिसको हम डायरेक्ट कट बोलते हैं उस ऑप्शन को हम यूज करेंगे, और सेकेंड हमारे पास आता है इनडायरेक्ट कट। स्टूडेंट, हमारी जो ऐसी हमारे जो फॉर्मेट होता है वीडियो का वो अकॉर्डिंग टू फिगर एंड अकॉर्डिंग टू साइज हमारे पास क्या होता है, डिस्प्ले होता है, और इसके जो पैरामीटर सेटिंग्स होती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम अपनी वीडियो फाइल्स के फॉर्मेट एंड साइज के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी को सेट करते हैं। ज्वाइन मर्ज वीडियो फाइल यूजिंग फ्री वीडियो कटर ज्वाइनर। स्टूडेंट, इसी तरीके से जब भी हमने अपनी वीडियो को कटर करना है तो सबसे पहले हम इसको वीडियो ज्वाइनर टैब के थ्रू क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, ऐड और रिमूव फाइल, और इसी तरीके से जिस भी फाइल को हम ऐड करेंगे उसको हम अपने क्लिक का ऑप्शन के साथ क्या करेंगे, फाइल बटन को ऐड करने के बाद उसका जो फर्स्ट पार्ट है जिस भी फाइल पार्ट को हमने रिमूव करना है उसको हम सिलेक्ट करने के बाद उसको रिमूव कर देंगे।
ज्वाइन वीडियो फाइल्स, और इसी तरीके से हमारे पास जो फाइल का कंबाइन वीडियोस होंगी वो क्या होंगी, इस पे ज्वाइन होंगी। और हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो क्या कर, जैसे कि 9.6 में उसको स्क्रीन में डिस्प्ले करवाया हुआ है। और इस तरीके से जब भी हमारे पास स्टार्ट ज्वाइनिंग बटन को हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो हमारी वीडियो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी और उसकी जो आउटपुट है वो हमें डिस्प्ले करवाएगी कि हमारा जो फोल्डर है उसका टाइप, नेम एंड हम किस तरीके से उसको सेट कर रहे हैं। और हमारी ज्वाइनिंग वीडियो क्या करेगी, उसमें सेव हो जाएगी आउटपुट के फोल्डर में। स्टूडेंट जी, आपका चैप्टर भी क्लियर हो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी इसकी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी स्टूडेंट।